फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ सिविक्स चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 है तो 3.2 व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है, ये हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। द ओप्रेसिव एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लान टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जिसने साउथ अफ्रीका पे अत्याचार करा है, मतलब कि व्हाइट्स ने ब्लैक्स पर अत्याचार करे थे, व्हाइट गोरे लोग जो थे वहां पर साउथ अफ्रीका में, उन्होंने जो काले लोगों पर वो बहुत सारे अत्याचार करे, लेकिन जब आजाद हो गया तब उन सबको उन्होंने इक्वल राइट्स दिए साउथ अफ्रीका वालों ने। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, ये उनके लिए ब्लैक्स लोगों के लिए इतना इजी नहीं था कि उन सब लोगों पर ट्रस्ट कर सकें। दे हैड देयर फियर्स, वो उनको एक डर था। दे वांटेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे, सेव करना चाहते थे। द ब्लैक माइनॉरिटी वॉज नो टू एंश्योर डेट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कंप्रेस्ड। दे वांटेड सब्सटेंटल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, ब्लैक्स लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स चाहिए थे। द व्हाइट माइनॉरिटी, जो ब्लैक्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे और व्हाइट जो थे वो कम माइनॉरिटी में थे। वॉज नो टू प्रोटेस्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टीज, जब साउथ अफ्रीका आजाद हो गया तो वो अपनी जमीन वमीन तो व्हाइट्स लोग तो घेरेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने व्हाइट्स, लेकिन उन्होंने ये बताने से पहले हम तुम्हारी जमीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनसे पहले व्हाइट लोगों को ये डर बना रह रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से ना चली जाए, जो खेत वेत जो उन्होंने ले रखे थे, खरीदे रखे थे, वो उनके हाथ से ना चले जाए। आफ्टर लॉन्ग नेविगेशन बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज, बहुत दिनों के बाद दोनों पार्टीज, मतलब कि ब्लैक्स और व्हाइट्स ने वो समझौता कर लिया। द व्हाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड डेट ऑफ वन पर्सन वन वोट, उन्होंने ब्लैक्स लोगों ने क्या कहा व्हाइट लोगों से कि सुनो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वन पर्सन वन वोट, मतलब एक इंसान को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। तो व्हाइट लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, उन्होंने कुछ पुअर और वर्कर्स के लिए भी राइट्स बनाए गए थे, ब्लैक्स लोगों ने राइट्स बनाए थे तो व्हाइट लोगों ने उनको भी मान लिया। द ब्लैक्स एग्री डेट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, दे एग्री डेट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। तो वो एग्री हो व्हाइट लोगों की मांग थी कि वो ब्लैक्स लोग जो थे वो एग्री हो गए, ठीक है हम तुम्हारी जमीन नहीं लेंगे। किसकी जमीन नहीं लेंगे, माइनॉरिटी व्हाइट माइनॉरिटी की। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, ये कॉम्प्रोमाइज जो था वो बहुत ईजी नहीं था, आसान नहीं था, नॉट ईजी। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट, इसे अगर हम इम्प्लीमेंट भी कर दें तो इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे पर ट्रस्ट थोड़ी देर के लिए कर भी लें तो, लेकिन ये वॉट वॉज द गारंटी डेट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। तो अगर ब्लैक्स लोग व्हाइट लोगों पर थोड़ी देर के लिए वो भी कर लें, क्या कहते हैं, ट्रस्ट भी कर लें, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में क्या पता ये गारंटी क्या है कि टूटे ना ये ट्रस्ट व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में। द ओनली वे टू बिल्ड ए मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम डेट इवन एवरी वन वुड अबाइड बाय,
तो क्या पता ये फ्यूचर में टूटे टूट भी सकता है। तो हम क्या उन्होंने क्या सोचा कि हम एक वो करते हैं, राइट करवा लेते हैं, मतलब उनसे लिखवा लेते हैं एक पेपर में कि ये सब जो हमने उनसे कहा है वो मानेंगे। तो ठीक है, उन्होंने लिख दिया, दीज रूल लॉ डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चॉइस इन फ्यूचर। उन्होंने अपने कौन लिखा कि कैसे फ्यूचर में जो रूलर्स होंगे वो कैसे चूज करे जाएंगे। दीज आर टू चॉइस इन फ्यूचर, दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन वॉट द इलेक्शन गवर्नमेंट आर एम्पावर टू बी एंड वॉट दे कैन नॉट डू। उन्होंने ये भी लिखा कि इलेक्शन गवर्नमेंट जो है, रूलर जो है, वो उनके पास क्या क्या पावर है करने की और क्या पावर नहीं है करने की। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और इन रूल्स में राइट्स भी थे सिटीजन के भी। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये रूल तभी तक वर्क करेंगे जब तक जो विनर होगा इलेक्शन का वो उसे चेंज ना करे इजीली। दिस इज वॉट द साउथ अफ्रीका डेड, ये सब था जो साउथ अफ्रीका ने करा। दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, दे ऑल्सो एग्री डेट दी दैट सम बेसिक रूल्स, दे ऑल्सो एग्री डेट दीज रूल्स विल बी सुपीरियर, डेट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। तो ये जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने ये सब कहा ये सबसे सुपीरियर है, ये सबसे बड़ा है, कोई भी गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकती। दिस सीट ऑफ द बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब चीजों को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेक इज नॉट अनइक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका ने बनाया वो कोई उन्होंने यूनिक काम नहीं करा था, क्योंकि वो सब तो बनाते ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कंट्री हैज डिवाइड ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर कंट्री में कोई ना कोई तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति के भी अलग देश के भी। दीज रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। लेकिन हर देश में रहते तो हैं अलग अलग कंट्री के लोग, लेकिन उनके संबंध ब्लैक्स और वाइट की तरह नहीं होते इतने, जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स थे उनकी तरह खराब संबंध उनके नहीं होते। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर किसी का ओपिनियन और इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, सब कंट्री में ऐसे बेसिक रूल्स होते ही हैं। दिस अप्लाइड नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये बस गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होते। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी एसोसिएशन को उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसका। इट कुड बी क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल्सो नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सीट ऑफ रिटन रूल्स डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टूगेदर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीट्स हैं जो राइट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब उस पूरे पीपल को एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब कोई इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन अ कंट्री टुगेदर इन अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुपीरियर लॉ डेट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है जो है डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप्स को सिटीजन्स में, सिटीजन्स का जो रिलेशनशिप है उनको डिटरमाइन करता है, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट।
और जो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको भी उसमें लिखा गया है. एज कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी चीजें कर सकता है. जैसे कि फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टूगेदर. तो पहला क्या है कि जो भी हमारे साथ विभिन्न तरह के लोग रह रहे हैं उनके बीच हमें भरोसा और सहयोग को विकसित करना चाहिए. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हाउ हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. दूसरा है कि यह स्पष्ट करता है कि जो गवर्नमेंट होती है उनका उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा और किसे फैसले करने का अधिकार है. थर्ड, इज लॉ ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर. थर्ड है कि हमें गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या पावर्स हैं और सिटीजन्स के पास क्या पावर हैं. ये सब उनको ध्यान में रखना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ गुड सोसाइटी. फोर्थ है, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेसी. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो. दोबारा ध्यान से सुनेगा कि जो जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसका ये मतलब नहीं कि उसके पास डेमोक्रेसी हो, वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ये जरूरी नहीं है. लेकिन बट ऑल कंट्री डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जिस कंट्री के पास डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री के यहाँ डेमोक्रेसी है, वो जरूरी है कि वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटिशर्स द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन. वॉर के बाद जो अमेरिकन्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे ग्रेट ब्रिटिशर्स से और उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रांस पीपल अप्रूव द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रांस की जो पीपल थे उन्होंने अपना अप्रूव कराया था एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.